The chapter The Tiger in the Tunnel, written by Ruskin Bond. Let's enjoy the another chapter's explanation in Punjabi. ये कहानी पेंडू बलदेव दी है, जो एक रेलवे सुरंग विच एक शेर दा बहादुरी नाल मुकाबला करता है, पर इस विच वो आप भी मारिया जाता है। बलदेव एक छोटे जिहे स्टेशन ते चौकीदार सी। स्टेशन एक संघने जंगल दे कोल सी। यह एक पहाड़ी इलाका सी अते स्टेशन दे कोल एक सुरंग सी। गड्डियां इत्थे सिर्फ कुछ सेकंड लई रुकदियां सन, फिर वह सुरंग विच प्रवेश कर जांदियां सन। यह कहा जांदा सी कि जंगल विच जंगली जानवर सन। एक दिन एक तेंदुआ पिंड विच आ गया सी अते पिंड वालियां ने उसनू मार दिता सी। जदों कहानी शुरू हुंदी है तां लगभग अद्धी रात दा समा है। आसमान विच चंद्रमा नहीं है, चारे पासे सुनसान है। एक चुप्पी कदे कदे झिंगर दी चीक नाल टुटदी है, कदे कदे कठफोड़े दी आवाज भी आउंदी है, पर आम तौर ते रात नूं जंगल चुप हुंदा है। ये ठंड दी रात है अते मौसम ठंडा है। बलदेव इस गल लई जिम्मेवार है कि ओ इशारा करे कि सुरंग रुकावटां तो मुक्त है जां नहीं। ड्यूटी दे समय ओ स्टेशन ते एक छोटे जिहे कमरे विच रहिंदा सी। जदों गड्डी आउण वाली हुंदी सी तां ओ सिग्नल देण लई बाहर आ जांदा सी। बलदेव दा पुत्तर टेंबू 12 सालां दा मुंडा सी। कदे कदे ओ अपने पिता दे कोल स्टेशन ते सोंदा सी, हुण ओ उत्थे सो रहा सी। छेती ही एक गड्डी दे आउण दी उम्मीद सी। बलदेव उठिया, बड़ी देर जल्दी नाल बत्ती जगाई अते झोपड़ी तो बाहर आ गया। ओ झोपड़ी दे नेड़े मोड़ ते गया, उत्थे पटरी दे दोहे पासे चट्टाना दी कंध सी। उसने जंगली जानवरां बारे सोचिया जो उस समय खतरनाक हो सकते सन, पर बलदेव विश्वास नाल चलदा रहा। उसदे कोल एक छोटा जिहा कुहाड़ा सी जो उसके पिता द्वारा बनाया गया सी। बलदेव ने इस कुहाड़े नाल प्यार सी अते वो हमेशा इसनू अपने नाल रखदा सी। अचानक बलदेव ने ककड़ हिरन दी डरावनी आवाज सुनी। इस तों बाद झाड़ियां विच कुद्दण दी आवाज आई। बलदेव सावधान हो गया अते सुरंग वल तेजी नाल वधिया। उसने यह गल सुनिश्चित कीती कि सब कुछ ठीक ठाक है। फिर वह सुरंग दे मूंह कोल बैठ गया अते रेल गड्डी दी उड़ीक करन लगा। फिर उसने शेर दी आवाज सुनी। बलदेव लई कोई आसरा नहीं सी, पर उसने कुहाड़े नूं कस के फड़ लिया। फिर उसने रोड़ियां दे खड़कन दी आवाज़ सुनी, जो इस गल दी निशानी सी कि शेर ने उस मोड़ विच छलांग लगाई है। फिर उसने शेर नूं अपने वल आउंदे होए वेख्या। इस दियां अखां हनेरे विच चमक रहियां सन। जदों शेर कोल आया तां इसने बलदेव ते अपने पंजे नाल हमला किता, पर बलदेव चुकिया अते पंजे तो बच गया। बलदेव ने शेर दे मोड़े ते कुहाड़े नाल हमला किता, पर शेर थोड़ा जिहा हिलिया अते कुहाड़ा उसदी लत ते लगा अते उसनू बहुत जख्मी कर दिता। हुण जख्मी शेर होर भी वधेरे खतरनाक हो गया। बलदेव ने फिर तो हमला किता, पर इस वार कुहाड़ा उसदे मोड़ियां विच ही फस गया। हुण बलदेव बिना हथियारां दे सी। शेर बलदेव उत्ते कुद्या अते उसनू मार दिता। उसे वेले रेल गड्डी आ गई। शेर उठ खड़ा होया। उसने अपने आप नू बलदेव दी तरह फसिया होया महसूस किता। उस मोड़ दे नाल भजना असंभव सी, इसलिए
शेर सुरंग विच चला गया अते इन्नी तेज भज्या जिन्ना कि ओ एक जख्मी लत दे नाल भज सकता सी। फिर रेल गड्डी ने सुरंग विच प्रवेश किया। शेर नू इंजन ने अद्धा अद्धा कट दिता। उसके शरीर का अद्धा भाग इंजन के अगले धातु दे फ्रेम विच फस गया। अगले स्टेशन ते ड्राइवर ने इस नू देखिया। स्टेशन ते बहुत उतेजना फैल गई। जदों तेंबू नू अपने पिता की मौत का पता लगा तो वह बहुत रोया। परिवार दो दिन लई दुख विच डुब गया। पर जीवन नू तो चलते रहना है अते रोटी तो कमाउनी हुंदी है। हुण परिवार की सारी जिम्मेवारी टेंबू ते आ गई। टेंबू ने अपने पिता की ड्यूटी संभाल ली। हुण डरन की कोई गल नहीं सी। उसके पिता ने शेर नू मार दिता सी। इस तों इलावा उसके पिता का कुहाड़ा उसके कोल सी। धन्यवाद।